देखिए नतीजा बता दिया लोगों ने, खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। नारों से प्रभावित तो होता है लोग? नहीं नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों, खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कह रहा 400 पार, मैंने कहा था 400 पार कहते थे आप बार बार में से पूछते थे, मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साफ नॉर्थ में हाफ, बीजेपी अगर गया अगर वही बात हुई। बीजेपी के 12% वोट कम हुए हरियाणा के अंदर 15 से 18% के आसपास, हमारे तो बड़े हैं कोई 20% के करीब, 19% something% 28% थे हमारे पिछली बार, और अब के मतलब 47.61 लगा लो 48% है, और बीजेपी गिरे हैं 4%। ये एक इंडिकेशन है लोगों का कि लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीसगढ़ बरादरी कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। इसी तरह से जो असेंबली में देखोगे आप उसमें भी बहुमत दिया इन्होंने, मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मेजोरिटी में जीत के आए हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये आपके सामने है। एक जो सबसे जो बात हुई है मेरे हिसाब से, जो इनके बीजेपी के पास परफॉर्मेंस नाम की सरकार के पास कोई चीज नहीं थी, ये तो चुनाव के आसपास जात पात के झगड़े कराते थे, वो भी लोग समझ गए छत्तीसगढ़ जी एक हाजिर है, इस बात की खुशी है मेरे। नतीजे साबित करते हैं कि इनका ये जो था कभी धर्म के नाम पे जात के नाम पे थे, लोग इस बात को समझ चुके हैं। और मैं हरियाणा के लोगों का खास तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि इनके उस चाल पांच में फंसे नहीं। देखिए वो तो बाद में बता रहे, उनकी डिस्कशन होगी आपस में, सारे जितने गठबंधन के सहयोगी हैं उनसे सलाह करके ही कोई फैसला किया जाए। जो कहा था आपको, जब ये एग्जिट पोल आए थे तो आप बड़े उससे आए थे प्रकाश साथी, ये एग्जिट पोल ने सफाया कर दिया, हमारे भी हरियाणा में भी सफाया कर रखा था। मैंने कहा भाई इस एग्जिट पोल पे नहीं, हम तो पब्लिक पोल पे यकीन करते हैं, 4 तारीख की इंतजार करो। लोग का है क्या, ये एग्जिट पोल तो कई बार फेल हो चुके हैं। देखिए वो तो मुख्य पार्टियों में रहा, जैसे हरियाणा में मैंने पहले कहा था आपको सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू, अब वोट काटू भी खड़े थे कई, उनका मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस से नहीं था, उनका मुकाबला था नोटा से, जितनी नोट आई वोट आई उतनी वोट उनकी आई, नोटा से मुकाबला था उनका, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। बता दिए विधानसभा में लोग मन बना चुके हैं छत्तीसगढ़ी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ओवरवेलिंग मेजोरिटी कांग्रेस की आएगी।